मोस्ट क्रिटिकल एरिया वैसे तो हर एरिया क्रिटिकल है लेकिन गवर्नेंस जो पूरा जो डाटा की आपकी लाइफ साइकिल है विद इन जोर सिस्टम आपका जहाँ से डाटा क्रिएट होता है उससे ले तो उसको स्टोर करने के सेव करने और उसके बाद फिर उसको जो आपने यहाँ जहाँ भी कहीं यूज़ करना है उसको तो ये सारा डाटा गवर्नेंस के अंदर आता है ये आपने उस डाटा को गवर्न कैसे करना है जब हम डेटा गवर्नेंस की बात करते हैं या ओवरऑल जब हम टेक्नोलॉजीज़ की बात करते हैं तो उसके अंदर तीन चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं एवरीवेयर दिस इज़ आप इसे कहते हैं कि रूल ऑफ थंब है कि हर जगह जहां भी आप इवन कंप्यूटर साइंस की बात करेंगे आप किसी भी ई सिस्टम की बात करेंगे सी सिस्टम की बात करेंगे वेयर एवर यू गो तो तीन चीज़ों से आपको हमेशा जो है ना आपको जिनको मैनेज करना पड़ेगा वो है पीपल क्योंकि तो लोग हैं जिन्होंने उस डेटा को जनरेट करना है लोग हैं जिन्होंने उसको स्टोर करना है लोग हैं जिन्होंने उसको यूज़ करना है ऑफ कोर्स देयर इज सम एलिमेंट ऑफ ऑटोमेशन हर स्टेप पे बट स्टिल दिस इज ऑल यू नो जैसे कहते हैं कि फॉर द ह्यूमन बींग्स यू नो सो बाई द ह्यूमन बींग्स को इस तरह की एक सेंग है ना फॉर द पीपल बाई द पीपल सॉर्ट ऑफ थिंग तो ये बेसिकली ह्यूमन आर द मेन यू नो जो पिव्यूटर रोल है हर चीज़ में वो ह्यूमन बींग है तो इसमें भी सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो पीपल जो पॉलिसीज़ आपने बनानी है वो भी लोगों ने बनानी है जो सिस्टम बनाने हैं वो भी लोगों ने बनाने हैं तो फिर दूसरा पार्ट आ जाता है टेक्नोलॉजी का कि हमने कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज उसमें यूज़ करनी है हम अगर प्योरली डेटा साइंस की बात करें तो इट इज़ नॉट जस्ट डेटा वो सिस्टम जहाँ पे डेटा एंट्री होती है वो सिस्टम जो डेटा ऑटोमेटिकली प्रोड्यूस करते हैं वो सिस्टम जो डेटा को एक्यूमुलेट करते हैं प्रोसेस करते हैं उसके ऊपर जो डिफरेंट आपकी जो स्टेटिस्टिकल और साइंटिफिक मैथड या वो मॉडल्स अप्लाई होते हैं इन 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 योर एरिया ऑफ डेटा साइंस फिर उसकी जो प्रेजेंटेशन है विजुअलाइजेशन है तो ये सारी की सारी चीज़ें बेसिकली टेक्नोलॉजी पे बेस करती हैं अब जो तीसरी चीज़ है दैट इज़ द प्रोसेस प्रोसेस वो चीज़ है जो कि ह्यूमन बींग को मशीन के साथ एक तरह से रिलेट करता है कि एक मी और यू एज ह्यूमन बींग एज पीपल जब हमने किसी भी सिस्टम को यूज़ करना है तो एक सिस्टमेटिक वे है एक प्रोसेस है जिसके मुताबिक हमने उसको यूज़ करना अदरवाइज़ वी विल मैसअप एवरी थिंग फ़र्ज़ करें अगर हम मैं मिसाल देता हूँ कि पॉइंट ऑफ सेल पर अगर आप जाके कोई चीज़ परचेज करते हैं तो वो एक तरीक़ाकार है जिसके वो पहले आपके आइटम को स्कैन करेगा उससे पता चल जाएगा कि उसकी प्राइस क्या है फिर वो आपसे क्रेडिट कार्ड लेगा या कैश लेगा और फिर वो उसको एंटर करेगा तो ट्रांजेक्शन कम्प्लीट होगी तो ये बेसिकली एक प्रोसेस है लेकिन अगर वो आपको पहले पैसे आप उसको दे देते हैं, तो किस चीज़ के पैसे देंगे उसको तो पता ही नहीं है कि भाई ये मैंने क्या चीज़ के ये जो कस्टमर है उसने क्या चीज़ परचेज करनी है वो कितने की है वो क्या उस पर कोई डिस्काउंट है उसकी प्राइस क्या है सो so, ये जो प्रोसेस है बेसिकली ये हैं जो कि हमारे पूरे सिस्टम को मैनेज करने में डाटा को कलेक्ट करने में हमारी मदद करते हैं तो ये तीनों चीज़ें आप ये कह सकते तीनों जो ना इसके पिलर्स हैं पीपल प्रोसेस एंड टेक्नोलॉजी तो अगर आप ये कहेंगे जो पीपल है दे आर इन देंट्रल पोजिशन अब इसमें आ, जब हम थोड़ा थोड़ा यू नो फ्राम जेनेरिक थिंगस टू टू वर्ड्स टेक्निकल अब इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है वो है डेटा बेस मैनेजमेंट डेटा बेस बेसिकली वो चीज़ है जहाँ पर आपका जितना डाटा प्रोड्यूस हो रहा है किसी भी सोर्स सिस्टम में प्रोडक्शन सिस्टम में लाइफ सिस्टम में इट हैज़ टू बी स्टोर्ड समवेयर वो जो उसको स्टोर करना है दैट इज बेसिकली कॉल्ड डेटा बेस मैनेजमेंट और उसके अंदर फिर इवन विद इन डाटा बेस मैं आपको बताऊँ कि डेटा साइंटिस्ट के अलावा दे आर मल्टीपल रोल्स डेटा बेस की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो एक पूरा अलहदा स्पेशलाइजेशन है डाटा बेस की जो डेवलपमेंट है डेटा बेस की जो अपना कि जो आप डिफरेंट स्क्रिप्ट डेवलप करते हैं डाटा को मैनेज करना फिर उसकी जो हाउस है फर्ज करें आपने उसका बैकअप लेना है यू you नो know, वो डेटा की रिटेंशन पॉलिसीज़ हैं तो ये सारी चीज़ें बेसिकली डाटा मैनेजमेंट के अंदर आती हैं और अगर इस लेवल पे किसी ने भी जब ओवरऑल कोई जो आपका समझें कि सोल्यूशन आर्किटेक्ट होते हैं वो लोग जब काम करते हैं डिफरेंट चीज़ों पे दे मेक श्योर कि जो डेटा का स्ट्रक्चर है वो इस तरह से मैंने जो कि ऑपरेशनल सिस्टम का जो डाटा आ रहा है उसको आप स्टोर कर सके इन सच अ वे कि उसके ऊपर कल को आपने किसी तरह का जो एनालिसिस परफॉर्म करना है आपने उसको बहुत ज़्यादा फ़र्ज कर यू हैव डाटा ऑफ मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ रोज़ अब जब आपने उस डाटा को एनालाइज करना है एक्सट्रैक्ट करना है फॉर एनालिसिस आप ज़्यादा देर इंतजार करना पसंद नहीं करेंगे कोई भी नहीं करता ना आपका जो कस्टमर होगा इंटरनल या एक्सटर्नल वो भी ये पसंद नहीं करेगा तो डेटा हैज़ टू बी स्टोर्ड इन अ सर्टन वे उसमें फिर कई चीज़ें आ जाती है जिसको इंडेक्सिंग होती है पार्टिशनिंग होती है फिर डेटा लेक का कॉन्सेप्ट है मल्टीपल चीज़ें जो कि इन शाह यू विल लर्न विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे जैसे आप इंडस्ट्री में जाएंगे आपके डिफरेंट जो जो सिस्टम से आपका जो है इंटरेक्शन होगा डिफरेंट टीम मेम्बर से होगा यू विल लर्न डिफरेंट थिंग्स बट एट दिस पॉइंट इन टाइम इट इज़ इम्पॉटेंट टू अंडरस्टैंड कि डेटा बेस की जो मैनेजमेंट है और उससे रिलेटेड जो टास्क है दैट इज़ वन ऑफ द वेरी वेरी क्रिटिकल एरिया फिर आप कहेंगे कि हर चीज़ यस एवरी थिंग इज क्रिटिकल क्योंकि ये एक सप्लाई चेन है आई विल टेल यू वेरी वेरी आई वुड से स्मार्ट कॉन्सेप्ट जिससे आपको ये अंडरस्टैंड हो जाएगा ये कि हर चीज़ क्यों इंपॉर्टेंट है एक चीज़ होती है एंड ऑपरेशन एक होता है और ऑपरेशन और में तो ये था जो चलो जी मैंने नहीं किया आपने कर लिया आपने नहीं किया किसी तीसरे बंदे ने कर लिया तो काम आपका हो गया राइट बट जो एंड ऑपरेशन है मैंने करना है आपने करना है किसी तीसरे बंदे ने करना है किसी चौथे बंदे ने करना है तो जो कंप्लीट आपकी डेटा पाइपलाइन है ना पूरी जो लाइफ साइकिल ऑफ डेटा या डेटा पाइपलाइन वो उसमें हर स्टेप इक्वली इंपॉर्टेंट है क्योंकि किसी स्टेप पे भी समथिंग मे गो रॉन्ग सो वी हैव टू मेक श्योर एज यू नो स्ट्रेटजिस्ट फॉर द डेटा साइंस इंडस्ट्री और द अदर इंडस्ट्रीज कि हर चीज़ जो है उसको हम इस तरह से प्लान करें कि कहीं पे भी वो जो एंड ऑपरेशन है इमेजन के अगर वो एंड आप पॉइंट नाइन को पॉइंट नाइन से मल्टीप्लाई करें तो यू गेट पॉइंट एट वन विच मीन्स दैट यू हैव लॉस्ट अबाउट नाइनटीन परसेंट ऑफ योर एफिशिएंसी और इमेजिन करें कि अगर आप तीन बंदे हैं एक सप्लाई चेन में एवरी वन इज़ गिविंग नाइन्टी परसेंट तो यू विल एंड अपंट नाइन एट और फिर आप कोई सेवनटी टू परसेंट पर चले जाएंगे तो इट मीन्स दैट कि इन अ थ्री स्टेप प्रोसेस फ एवरी वन इज गिविंग नाइनटी परसेंट द एंड प्रोडक्ट विल बी सेवेंटी परसेंट यू नो तो ये इट्स वेरी वेरी क्रिटिकल सो दैट्स आई एम से एग्जाम्पल मैंने आपको इसलिए दिया ताकि आप ये अंडरस्टैंड कर सके वाई आई एम कीप ऑन सेंग दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट तो एवरी थिंग इज इक्वल इंपॉर्टेंट अच्छा अब दुनिया में हुआ यह है बेसिकली कि देर आर डिफरेंट पीपल जो कि हर वक्त किसी ना किसी चीज़ की बेहतरी के लिए काम करते तो देर इज समथिंग कॉल्ड आई एस ओ इंटरनेट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने बेसिकली ये किया कि दुनिया का आप कोई एरिया उठा के देख लें उन्होंने उसका एक स्टैंडर्ड बना दिया इससे पहले यह था कि हिस्टोरिकली देखें तो जैपनीज स्टैंडर्ड था ब्रिटिश स्टैंडर्ड था अमेरिकन स्टैंडर्ड था जर्मन स्टैंडर्ड था ये डिफरेंट स्टैंडर्ड सब ने अपने अपने बनाए थे फॉर क्वालिटी कंट्रोल और इट स्टार्टेड विद द मैनुफैक्चरिंग लेकिन फिर ये तकरीबन हर एरिए में ये चीज़ जो है स्टेप बाई स्टेप इट ऑफ क्रीपिंग इन एवरी एरिया तो अब ये हुआ कि फिर एक ऑर्गेनाइजेशन बन गई जिसका नाम है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गनाइजेशन फिर उसने डिफरेंट जो है वो आपके स्टैंडर्ड्स सबसे कॉमन हो सकता है आपने सुना आई एस ओ नाइन थाउजेंड क्योंकि बेसिक क्वालिटी का स्टैंडर्ड है फिर आई एस जो कि इन्वायरमेंट से रिलेटेड है एस एट है जो कि लेबर लॉ से रिलेटेड इसी तरह ये जो कुछ यहाँ पे हमने लिखे हैं इसमें आई एस ओ थर्टी एट थाउजेंड विच इज़ अबाउट द डेटा मैनेजमेंट फिर आई एस ओ टेंटी सेवन थाउजेंड विच इज अबाउट डेटा सिक्योरिटी नाइनटीन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड विच इज़ अबाउट प्राइवेसी ट्वेंटी नाइन थाउजेंड विच इज़ अबाउट सिक्योरिटी तो ये डिफरेंट स्टैंडर्ड्स हैं और ये जो तीन चार स्टैंडर्ड हैं बेसिकली ये आपको तकरीबन हर जगह जो डिफरेंट एंगल है ना आपके इट्स लाइक थ्री सिक्सटी डिग्री अप्रोच अगर ये तीन चार आई एस ओ स्टैंडर्ड जो हैं अगर वो आप अंडरस्टैंड करते हैं आपकी इंडस्ट्री अंडरस्टैंड करती है आपकी कंपनी अंडरस्टैंड करती है तो इट मीनस दैट कि यू हैव कवर्ड यू हैव इंश्योर्ड कि आपने कितना जो है ना आपका डाटा या आपका जो ओवरऑल इंफॉर्मेशन सिस्टम है कितना सिक्योर है इसी तरह जो डिफरेंट हमने रेगोलेशन की बात की तो दुनिया के जो डिफरेंट कंट्रीज हैं अब जो जो वन ऑफ द वेरी फेमस और द मोस्ट अप्रिशिएटेड इज जीडीपीआर जनरल डेटा प्रोटेक्शन रूल्स ये यूरोपियन यूनियन की रेगुलेशन है फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द पब्लिक इंफॉर्मेशन या जो इंडिविजुअल है उनकी इंफॉर्मेशन इसी तरह यू में हेल्थ से रिलेटेड हिप्पा है एक है कैलिफोर्निया कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट सी इसी तरह कैनेडा का एक अपना है इसी तरह तो यू नो तो देर आर डिफरेंट स्टैंडर्ड्स और वो हर एक ने अपने अपने कुछ बिकॉज ऑफ देयर इंडस्ट्री या बिकॉज ऑफ देयर इंटरेस्ट और डिफरेंट जो उसके सिक्योरिटी के या प्राइवेसी की जो डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने ये स्टैंडर्ड डेवलप किए एंड दे आर एक्सेप्टेड वर्ल्ड ओवर लेकिन इससे जो प्रीवियस स्लाइड में हमने चार जो आई एस ओ स्टैंडर्ड्स की बात की अगर आप उनको कर लें या कोई कंपनी उनको अडॉप्ट कर ले तो ये जो सारे स्टैंडर्ड्स हैं जो कि Uh, different frameworks and basically they will be automatically covered. I hope you enjoyed it. Thank you.